हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 10 थर्सडे है, एक्सपायरी हुआ है सब चीज का, और आज 28 नवंबर 2019 है। आज जो शेयर लेके आया था वो सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, एक टेक्सटाइल से बिलोंग करती है ये इंडस्ट्री। सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं है इसकी और डिविडेंड 1.0। रिसेंटली ये बिड़ला जी की कंपनी और इसमें जो चार कंपनियां थी अभी जस्ट डीमर्ज हुई है। आपको मालूम होगा पहले इसमें सीमेंट, टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, ये सभी चार बिजनेस कंबाइन बिजनेस करके आया था, वो अभी डीमर्ज होकर के अलग अलग बना है। उसमें सेंचुरी टेक्सटाइल भी है, अच्छा खासा फॉल ऊपर लेवल से आपको चार्ट पे नीचे लेवल की ओर भी गया है। अभी देखेंगे तो सेंचुरी टेक्सटाइल भी इसलिए लेके आया, एक टेक्निकल ब्रेकआउट लग रहा है मुझे है 475 के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं 486 के लेवल तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। 586 का भी आपको लेवल दिख सकता है। अगर इसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करें तो ये अच्छे खासे अपने वॉल्यूम को, जहाँ उसका वॉल्यूम एवरेज 458 है वहाँ पे 463 का क्लोजिंग दिया है। मीन्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज एक पॉजिटिव सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल की ओर क्लोजिंग दिया है। और जहाँ तक डिलीवरी की बात है तो 11 से 12% की डिलीवरी इसमें होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे 14%, 24%, 13%, 8%, 13%, 15%, और आज 28 नवंबर को जो क्लोजिंग हुई 15% की डिलीवरी हुई है, जहाँ पे 7,57,000 शेयर की डील हुई और 1,20,000 की डिलीवरी हुई है। मैं शेयर पे सिंचू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रिंसिपल इंगेजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल सीमेंट पेपर एंड पेपर एंड रियल एस्टेट पहले था ये, अभी सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस को कर दिया डीमर्ज करने के बाद। और जहाँ तक प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे 50% है। FII ने यहाँ पे बढ़ाया है, थोड़ा सा बढ़ाया है, इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ाया और अदर लोगों ने भी बाइंग की है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल पर रिसेंटली क्या हुआ है आप देखेंगे, यहाँ पे 465 फ्यूचर है जबकि इसका स्पॉट मार्केट से जो वो 463 है। तो ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको 463 और 465 2 रुपये प्रीमियम पे पॉजिटिव है। चेंज इन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट 8% है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल में अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे देखूँ तो 415 का स्टॉप लॉस अगर आप लगा लें तो ये कहीं ना कहीं एक ऊपर की ओर पैटर्न, यहाँ से एक स्थिर पैटर्न है, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर वही आपको स्टॉक सारे सही देखो तो यहाँ पे भी अपसाइड जाने की तैयारी कर रहा है, जो कि स्टॉक सारे सही 54% है और वॉल्यूम भी है, और तीनों जो है बुलिश पैटर्न की ओर ही दिखता हो रहा है वीकली बेसिस पे। अगर इसकी मूविंग एवरेज बेसिस की करूँ तो आप देखेंगे 9 दिन का और 21 दिन का मूविंग एवरेज जो है इसका सपोर्ट लिया हुआ है, जो कि 448 के आसपास ही है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए 444 446 के पास सपोर्ट लेते हुए आज की क्लोजिंग जो 463 की ओर दी है। तो चाहे तो आप इसको 440 का स्टॉप लॉस भी लगा लें शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 415 का स्टॉप लॉस लगा लें। और कहीं ना कहीं आपको ये जो है 50 डेज का जो मूविंग है ऊपर आपको दिख रहा है, इसकी ओर 519 इसके ऊपर 586 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। RSI भी ये पॉजिटिव है, 53 है। और इसका अगर मंथली पैटर्न में सेंचुरी का देखें तो आपको देखिएगा मंथली ये एक इसको भी क्रॉस कर चुका है जो 419 का था, जो लोएस्ट था यहाँ पे, इसको क्रॉस करते हुए और वॉल्यूम के साथ ऊपर हर मंथली कैंडल है, हर महीने में एक अपर अप बनाया जा रहा है। तो ये एक ब्रेकआउट देने को कहीं ना कहीं तैयार है, मुझे लगता है ये एक ब्रेकआउट अच्छा खासा आपको देगा और ये कहीं ना कहीं 525 जो इस लेवल को है, इस कैंडल को ये तोड़ता हुआ ये 525 की ओर फिर 563 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। तो एटलीस्ट जो आज की क्लोजिंग हुई है CMP जो क्लोजिंग हुई है यहाँ से मिनिमम 20% के रिटर्न आपको होते हुए दिख सकता है, हो सकता है ये दिसंबर में ही आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरा सिर्फ एक अनुमान है, व्यू है, हो सकता हो सकता नहीं भी हो। लॉन्ग टर्म में चाहें तो आप इसको 415 या 425 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो 440 का स्टॉप लॉस रख लिया, 440 के स्टॉप लॉस और 437 के स्टॉप लॉस से इसमें काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और मुझे लग रहा है आवर्ली बेसिस पे भी है एक अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रहा है, और ये एक इस वॉल्यूम जो था इस वॉल्यूम से कहीं ऊपर की ओर वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा ही वॉल्यूम है पर दिख रहा है। तो मुझे एक पॉजिटिव व्यू लग रहा है। और अगर देखें इसमें तो कहीं ना कहीं बॉलिंगर बैंड्स में भी है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको आप बॉलिंगर बैंड्स में भी देखें तो बॉलिंगर बैंड्स में ये डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं ये
ये बाहर निकलने की ऊपर की ओर कोशिश कर रहा है, और जिस दिन ये 478 के लेवल को क्रॉस करते हुए आपको थोड़ा भी रुका, उसी दिन आपको ये 500 और फिर वहाँ से 525 546 जाते हुए दिखेगा, जिसका बहुत चांसेस है कि यहाँ पे ये क्रॉस करते हुए आपको दिखे। ये बॉलिंगर बैंड स्क्वीज होते हुए दिख रहा है और यहाँ से इसको आगे निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप चाहें इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है जरूर मेंटेन करें 424 का 425 का। अगर वो ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है 424 को ब्रेक करके नीचे, मतलब 415 जो आपको बोला वो आप मेंटेन कीजिए, 415 ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है। अदरवाइज 526 के लिए आपको यहाँ से ऊपर की ओर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे ये कहीं ना कहीं 526 की ओर जाता हुआ दिख रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल में, एक अच्छा खासा पैटर्न मुझे अपसाइड का दिखता है। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, व्यू है, ऐसा चार्ट पे प्रतीत हो रहा, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, बॉलिंगर बैंड से सब जगह दिख रहा है ये कहीं ना कहीं ऊपर की ओर भागने को तैयार है और मिनिमम 20% रिटर्न दे सकता है यहाँ से। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन और व्यू है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।